हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज के दिन हम जाने वाले हैं भाई न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर को लेके, और आपको दिखाते हैं जाके ट्रैक्टर के पास जाके क्या क्या जोड़ना है, उसके अंदर क्या काम कराना है, कहाँ पे लेके जाना है। ये वाला ट्रॉला जोड़ना है भाई, ये भी फंसा पड़ा है अंदर। आए थे ट्रैक्टर हटाते हैं, पहले इस ट्रैक्टर को उठाए थे यहाँ, क्योंकि ट्रॉला बहुत लंबा है, यहीं तक आएगा। ये देखो भाई, इसकी स्टार्टिंग ऐसी रहती है हमेशा, ये नहीं होगा स्टार्ट, नहीं होगा, नहीं होगा। भाई हो गया, बहुत मुश्किलों के बाद ये, इसके चांस पता नहीं होते होता या नहीं, हो पाएगा यार। स्टार्ट तो हो गया, अब इसको यहाँ से हटा देते हैं, पल्लंग की साइड खड़ा कर देते हैं इसे। इसकी बैटरी पता नहीं, बैटरी प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है। देखो इसको तो वहाँ पे पहुँचा दिया, और न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के अंदर जोड़नी है ट्रॉली, ट्रॉली नहीं ट्रॉला जोड़ना, ट्रॉला। उसके लिए भाई हो सकता है ये ट्रॉली भी हटानी पड़े, क्योंकि इसमें रगड़ सकता है, ये इधर से बाहर निकालनी है। ऐसा ट्रैक्टर को हटाते हैं। देखो भाई, जो ऐसा ट्रैक्टर को भाई मैं 3 सेकंड के अंदर गायब कर सकता हूँ, 1 2 3। देखो भाई, हो गई ना हो गई गायब, जादूगर हूँ भाई मैं, जादूगर जादूगर। ये देखो भाई, हत्ता मार के मेहनत करनी पड़ती है इसमें। दादू हो गया स्टार्ट। देखो भाई, इसके अंदर हुक जोड़ते हैं इसको, इसको भी तो दिखा दो भाई, उसको हुक को जोड़ते हैं और उसके अंदर ट्रॉला जोड़ते हैं फिर। चलो भाई, न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर को लेके चलते हैं हम। लग गया हुक तो, देखो अच्छा हुच लग गया। अभी भाई थोड़ा सा ट्रॉली को कर देते पीछे, क्योंकि ट्रॉली को निकालने में फिर आसानी होगी। इसमें लिफ्ट पर रखा के बैक कर देता हूँ इसे। और भाई इधर ये भी लेके जाना है, देखो इधर ड्रम डीजल लेके आना है, क्योंकि डीजल डालना पड़ेगा सब ट्रैक्टरों में डेली डेली। ट्रॉला निकालने में भाई 1 घंटा लग जाता है यहाँ से, तो बड़ी मुश्किलों से मोड़ा है मैंने, बहुत मुश्किलों के बाद मोड़ा है। और ड्रम रख लिए हैं इसके अंदर, दोनों ड्रम भर के आएंगे फुल। अब 2 ही ड्रम है, और ड्रम हमारे पास है नहीं, तो और भी भर लाता। ये सब ट्रैक्टरों को अब सही जगह पर ला देता हूँ। और देखो भाई, निकालने के चक्कर में ना कैसे काले पड़ जाता है पूरा ट्रैक्टर के टायर, खिंच जाते हैं बहुत ज़्यादा, करंट वाले बड़े टायर हैं ना वो। ये देखो कितने टायर बन रहे हैं। चलो भाई हो गए रेडी, चल कब का अंदर तक कैन फैन लगेगा। भाई देखो, ड्राम तो रख लिए, और अब जो है ना उसकी भी कह रहे हैं कि इसके अंदर ले चलते हैं भाई, कट्टी कैन जितनी भी है सबको भर लेंगे, और ट्रैक्टर को भी फुल करवा लेंगे। ट्रैक्टर तो वैसे ऑलरेडी फुल करवा दिया था डीजल जब सर्विस होने गई थी, तो थोड़ा सा और करा लेंगे। चलो भाई, ट्रैक्टर को ले चलते स्टार्ट करता हूँ अब। निकाल सीधा तो कर दिया था, अब तो बस सीधा निकालना है, तो निकल जाएगा। ऐसी काम चला रहा पूरे अभी सीजन में, और गर्मी में जी दिक्कत रही है, पावर बैंक का रखो, गाड़ी में तो जल जाए आराम से। आगे भाई गांव से निकला है और रोड पे चढ़ गए हैं, अब पहुंचते हैं पेट्रोल पंप पे, सबसे पहले लेते हैं डीजल, सब चीज़ फुल कराते हैं जाके डीजल लेके। देखो भाई, हमारे गांव में तो शुरू हो गई खुदाई आलू होगी, अब शाम हो रही है, अभी खुदाई हो रही है। देखो
एक ड्राम के अंदर कितना आया पता है तुम्हें? एक भैया हट गए, 250 लीटर आया, 250 लीटर एक ड्राम के अंदर आया भाई। चेंज रहते रहे अभी भाई, दोनों ड्राम भर चुके हैं और छोटी छोटी कट्टियों को भरवा रहे हैं। लास्ट कट्टी है, इसके बाद ट्रैक्टर भरेंगे बस। और खर्चा अपना बन गया, कितना बन गया भाई खर्चा? 45,000 तो 45,000 का खर्चा अभी तक हो चुका है टोटल। ये देखो भाई 50,000 का हो गया डन, सब चीज़ भर चुकी है, बस ट्रैक्टर रह गया लास्ट। ट्रैक्टर में तो थोड़ा बहुत ही आएगा, 500,000 मुश्किल से। देखते हैं कितना आता है, लैब देखते हैं। चलो लो, मार गया कट तो मार गया, अब ऊपर से बढ़ेगा। बिजली पहला अड़ छोड़, सही समय में सही हजार आना चाहिए। हाँ ऐसा कर लो भाई। बन गया सगुन 51,800 का सगुन बन गया अपना डीजल का। इनको पिंडी भी नहीं लगा, सेट कर देता हूँ, वाटर प्रूफ कर देते हैं इनको। मेरे वीडियो वाटर प्रूफ कर देते हैं। अभी भाई पेमेंट करने का टाइम है, पेमेंट आ रहा है रस्ते में। अभी ट्रैक्टर को साइड में लगा देते हैं। इधर पार्किंग सी बन रही है इनकी, यहाँ पे लगा देते हैं इस ट्रैक्टर को। देखो दो ड्राम है और दो कट्टी हैं, और ड्राम के अंदर 250-250 लीटर तेल आया, थोड़ा कम है, 5-6 लीटर कम आया 250 से। निकार चलो भाई, डीएल फुल हो गया और पेमेंट भी कर दी पूरी। अब चलते हैं कोल्ड पे बाहर दाना लेने। तो रोकता तू ना बोलता तो। भाई चल रही है, पूरे हो गए लोड, पूरे पलंदे ऊपर लोड हो गए। पलंदे मतलब ये जूट के कट्टे हैं, कुछ प्लास्टिक के कट्टे हैं। ट्रैक्टर को निकाल लेता हूँ और चलता हूँ। फिर देखो भाई कोल्ड में से तो निकला है, और आपको ना देखो लाइट चल रही है कंपनी वाली, देखो इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिखता। अब देखो ये वाली लाइट चालू करता हूँ ऊपर वाली, ये बार लाइट, इससे बहुत अच्छा दिखता रहता है, खेत में भी बहुत अच्छा दिखता है और रोड पर भी। देखो अभी तो ये ऊपर की साइड हो रही है ना, ये अभी सेट नहीं इसका एंगल, इसलिए साफ नहीं दिख रहा होगा। तो बिल्कुल अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है इससे, मान लो थोड़ा बहुत ही दिख रहा है। इसको सेट करूँगा घर पर जाकर, जब किसी और दिन दिखाऊँगा आपको। ये जो है लाइट बहुत अच्छी है ये, तो भाई मैंने अब सेट करी है ये लाइट। अब देखो आप इसकी रोशनी देखना तुम, ये जल रही है भाई कंपनी वाली, बिल्कुल लाइट बंद कर दी है। ये जल रही कंपनी की लो बीम, ये हाई बीम, इसकी रोशनी देख ली। अब देखो भाई इसकी रोशनी, इसको भी चालू करता हूँ, ये दिखेगी भी नहीं कम, ये जो कंपनी वाली लाइट है ये देखो पूरा जो है दिन सा निकाल देती है आगे। तो ये अब सेट करिए, मैंने पहले इसका मुंह पर को हो रहा था, देख लो क्या तगड़ी लाइट है एकदम। खेत में बहुत काम आती है, रोड पर भी बहुत काम आती है, बहुत से टेलाइट मतलब बढ़िया लाइट है। देखो अल्ट्रा वाइड देखो, पहुँच गए भाई लोग घर पर। देखो
और गेट खोलता ही है सभी, फिर अंदर करेंगे इसको। लो गेट लगा देते हैं यहाँ का और यहाँ से चलते हैं घर। हाँ मेरी हो रही है भाई, ट्रैक्टर लगा कर दिया घर पे खड़ा, और कल से खुदेंगे आलू अपने, कल से आलू खुदने शुरू होंगे और आपको मैं जरूर दिखाऊंगा कल से जाके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते भाई लोग आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा सी यू, राम राम जी।